अब हम देखते हैं एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश पावर ब्रिटिश जो है ना वो अपने आप को न्यू रोमन बोलते थे ये लोग जीतते कैसे हैं इनके पास सुपीरियर आर्म्स है मिलिट्री स्ट्रैटेजी है डिसिप्लिन है अच्छी वेजेस देते हैं फेयर सिलेक्शन सिस्टम है यहाँ पे लीडरशिप में रॉबर्ट रॉबर्ट क्लाइव हैं और ऐसे बड़े बड़े लोग हैं स्ट्रॉग फाइनेंशियल बैकअप है नेशनलिस्ट प्राइड हैं ये ये लड़ते हैं ब्रिटिश के लिए अब इंडियन आर्मी में क्या है यहाँ पर कास्ट नेपोटिज़्म है हेरीडिट्री है जागीर पे काम करते हैं अब जागीर में क्या होता है कि उसको सैलरी नहीं दे रहे हैं उसको जागीर दे रहे हैं बोल रहे हैं अब सोल्जर के दिमाग में ये ये है कि क्या वो अपना अपना युद्ध करे या वो उस जागीर पे से ये देखें कि उसको कितनी सैलरी मिलने वाली है तो वो फिर लॉयल नहीं रह पा रहा है ठीक है इसीलिए दीज सोल्जर्स लैक फिलिटी ठीक है अब इनको हेरीडिट्री कर दिया गया है हेरीडिट्री तो आज भी चलता है ये है ना इंडियन आर्मी के अंदर नेशनलिज्म के अंदर क्या है लैक ऑफ इंडिया कंसेप्ट एक इनके पास क्या है नेशनलिज्म नहीं है मतलब इंडिया के लिए नहीं लड़ रहे हैं अपनी अपनी चीज़ों के लिए लड़ रहे हैं अब वो लड़ रहे हैं पूरे ब्रिटिश ब्रिटिश प्राइड के लिए इनके पास कोई मोटिव नहीं है उनके पास मोटिव है कि हमें जीतना है ठीक है अब ये थोड़ा सा बंगाल के बारे में है कि बंगाल में क्या क्या फैक्ट्री लगी थी तो, तो सोलह के अंदर फोर्ट विलियम हमारा लग चुका था ये हम ऊपर कर चुके हैं ठीक है एक्सपोर्ट यहाँ पर होता है सॉल्ट पेटरे का राइस का इंडिगो का सॉल्ट पेट्रे होता है बारूद चावल नील सिल्क कॉटन स्पाइसेस स्पाइसेस देखो बंगाल से भी आते हैं ठीक है ये नहीं सोचना कि सिर्फ केरला से ही आते हैं स्पाइसेस हमारे बंगाल से भी आ रहे हैं शुगर आ रही है शुगर भी आ रही है हमारी तो शुगर स्पाइसेस ये सब चीज़ें आ रही हैं फैक्ट्री लगा रहे हैं बालासोर में हुगली में कासिम बाजार में पटना में ढाका में हर जगह लगा रहे हैं अब हम बात करते हैं ये मराठा का काम कैसे चल रहा है है ना ये कौन है हमारे ये है हमारे मराठाज यहाँ पे क्या हो रहा है 1707 के अंदर वो औरंगजेब की मृत्यु वगैरह हो चुकी है है ना अब यहाँ पे क्या है शाहू को रिलीज़ कर दिया गया है तो शाहू जो है बालाजी विश्वनाथ के साथ जाएंगे फिर उसके बाद ये चलता है इस, इस तरीके से ये क्या बन जाएंगे ये यहाँ पर बन जाएंगे पेशवा अब सत्रह में क्या होता है कि बाजीराव बाजीराव वन आता है मतलब बाजीराव आएगा और बाजीराव का टाइम क्या है सत्रह सौ बीस से सत्रह सौ चालीस तो यहाँ पे ये खूब एक्सपैंड करेंगे ठीक है बीस साल में इसने चालीस वॉर जीती है सत्रह सौ बीस से सत्रह सौ चालीस बाजीराव अब सत्रह सौ चालीस से सत्रह सौ सिक्सटी वन तक यहाँ पे बालाजी बाजीराव ठीक है बालाजी बाजीराव यहीं पे सिक्सटी वन में फिर क्या हो जाती है पानीपत हो जाएगी पानीपत में कौन मरेंगे सदाशिव राव और विश्वास विश्वास राव सदाशिवराव और विश्वास राव दोनों मर जाएंगे तो ये इन इनके बेटे होते हैं वो दोनों के दोनों अब बाजीराव की जो है मृत्यु हो जाएगी सेवनटीन सिक्सटी वन के अंदर सेवनटीन सेवेंटी टू में फिर बनाएंगे माधवराव माधव को माधवराव का भी अच्छा एबल जनरल होता है और निज़ाम निज़ाम से भी और हैदर से भी सबसे लड़ लड़ के और काफ़ी अच्छा मतलब इसको दोबारा री ग्लोरीफाई करेगा कर ठीक है री ग्लोरीफाई करेगा मराठा को अब क्या होता है इसके मराठा के ना तीन वॉर होते हैं देखो यहाँ पे क्या है आ, फर्स्ट वॉर है सेकेंड वॉर है थर्ड वॉर है सेवनटीन सेवेंटी फाइव से एट्टी टू एट्टी एटीन ज़ीरो थ्री से ज़ीरो फाइव और अ, देखो सत्रह सौ पिचहत्तर से ठीक है 1819 के बीच में लड़ाई हो रही है ये ठीक है तो ये थोड़ा सा एक पीरियड याद रखना है कि सत्रह से 1819 के बीच में लड़ाई हो रही है ठीक है अब यहाँ पे क्या है बाजीराव है बाजीराव में क्या है रघुनाथ राव बाजीराव का देखो ये याद रखना है सत्रह से 1819 के बीच में इनकी लड़ाई लड़ाई वड़ाई हो रही है ठीक है अब हम देखते हैं जो बाजीराव है ना बाजीराव ये देखो ये जो हमने देखा था ये बाजीराव जो जो चालीस लड़ाई जीत रहा था उसका एक बेटा है बालाजी बाजीराव ठीक है इसका एक बेटा कौन है इसका एक बेटा बालाजी बाजीराव और उसका दूसरा बेटा का क्या नाम है रघुनाथ राव तो रघुनाथ राव और बालाजी बाजीराव जो है ना इसी के बेटे हैं अब बालाजी बाजीराव मर गए अपने बेटों के सदमों के अंदर ठीक है तो अब उसका बेटा होता है माधव राव तो वो माधव राव को बना देते हैं उसके बाद फिर फ्री क्या करते हैं ये नारायण राव को बनाते हैं माधव राव छोड़ दें ये नारायण राव को बनाते हैं ठीक है अब नारायण राव को क्या होता है इसको गुस्सा नहीं आएगा कि यार नारायण राव को बना दिया फालतू में ठीक है तो ये क्या करेगा कि एसेसिनेट कर देगा नारायण राव को ठीक है अब क्या होता है नारायण राव को जब ये एसेसिनेट करता है तो इसकी जो अब गुस्सा नहीं आएगा कि यार मेरे मतलब पेशवा को मार दिया ठीक है जो भी है अपने अपने भतीजे को मार दिया ये भतीजा हो गया ना इसका भाई का लड़का भतीजे को मार दिया तो ऐसे करके क्या होता है इसका बेटा होता है सवाई माधव राव ठीक है तो एन के बाद है एम ठीक है सवाई माधव राव ये सवा महीने का लड़का होता है चालीस चालीस पैंतालीस साल का बच्चा होता है इसको बना देते हैं ये ठीक है ये कौन बनाते हैं ये बारह भाई कॉन्स्परेसी करते हैं क्या रघुनाथ राव को नहीं मरेंगे हमारे पेशवा को मार दिया गया है ये हो गया है वो हो गया है ये बारह भाई कॉन्स्परेसी करके और ये सवाई माधव राव को बना देते हैं ठीक है अब ये होती है कि ये जाता है ब्रिटिश के पास अब मेन बात ये कि ये ब्रिटिश के पास ही क्यों जा रहा है है ना मतलब खुद इतना बड़ा हो के ये ब्रिटिश के पास क्यों जा रहा है तो देखो टाइम कौन सा है ये ये टाइम चल रहा है सेवनटीन सेवन युद्ध पहला पहला युद्ध कब हो रहा है सेवनटीन से एटी है ना तो फर्स्ट वॉर यहाँ पर होने वाला है यानी यहाँ पे होने वाला है यानी ये सब शुरुआत कहाँ से हुई है फर्स्ट वॉर हमने देखा एक मिनट सेवनटीन सेवेंटी फाइव से एट्टी टू के बीच में है ना यानी इसका बैकग्राउंड क्या होगा पहला ये है कि यहाँ पे रेगुलेटिंग एक्ट आ चुका है ठीक है रेगुलेटिंग एक्ट आ चुका है हमारा सेवनटीन सेवेंटी थ्री के अंदर ठीक है तो रेगुलेटिंग एक्ट के तहत क्या हो गया है ये जैसे कि ये भारत है यहाँ पे इन पास, यह इनके पास ये वाला एरिया तो इनके पास पूरा का पूरा है ही किसके द्वारा टिटी ऑफ अलाहाबाद के द्वारा ये पूरा एरिया है इनके पास अब क्या हो गया है कि यहाँ पे ये यह जो गवर्नर है ना गवर्नर को क्या बना दिया गवर्नर को बना दिया गवर्नर जनरल ठीक है और इस गवर्नर जनरल के पास क्या है इस गवर्नर जनरल के पास ये भी है इस गवर्नर के पास और इसके पास ये भी है ये वाला और ये वाला तो ये दोनों के दोनों एरिया ठीक है ये मद्रास एंड बॉम्बे अंडर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल ये अब यहाँ पे बहुत स्ट्रांग हो रहा है अब इस, इसको क्या लगता है ये मराठा भी तो यहाँ पे ये मराठा घूम रहे हैं तो उसको लगता है कि चलो इसके पास जाना चाहिए तो अब रघुनाथ राव जा रहा है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल मतलब इनके पास अंग्रेजों के पास तो अंग्रेज क्या कहते हैं ना अंग्रेज कहते हैं ऐसा करते हैं अच्छा ठीक है अंग्रेज कहते हैं कि आप ना ट्रीटी ऑफ सूरत साइन करो तो टी ऑफ सूरत कब साइन हुई है हमारी सेवनटीन सेवनटी फाइव के अंदर तो अब ट्री ऑफ सूरत साइन हो जाती है तो इनको समझ में नहीं आता कि यार ट्री ऑफ सूरत क्यों साइन कर दी है ना ये देखो यहाँ से तो टी ऑफ सूरत साइन करती है और ट्री ऑफ सूरत सेवनटीन में साइन होती है और इसमें रघुनाथ जो है वो सालसेट और बसीन खो देगा ठीक है सालसेट एंड बसीन खो देगा और कह देगा ठीक है हम आपको रिवेन्यू शेयर दे, दे देंगे सूरत और भरोच का वारन हेस्टिंग जो है इसको रिजेक्ट कर देता है क्यों रिजेक्ट करता है अब देखो इसका कारण है वो इसलिए रिजेक्ट करता है ये सबसे बड़ी बात है वो इसलिए रिजेक्ट करता है वो कहता है कि ये जो है ये रघुनाथ राव इसको इसको मराठा जो है वो सपोर्ट नहीं करते हैं ठीक है थीके? तो इसको सपोर्ट करने के चक्कर में हम जो है पूरे के पूरे मराठा से हम लोग युद्ध युद्ध मोल ले लेंगे है ना इसलिए वो कहते हैं कि नहीं इसको रिजेक्ट करो और ये इसका वॉरन हेस्टिंग्स का एक अच्छा स्टेप था अब क्या होता है सेवनटीन के अंदर ये इसको रिजेक्ट करके ये कर्नल उप्टन को भेजता है कहता है कि उपटन साहब आप जाइए ठीक है कर्नल उपटन को भेजेगा और बोलेगा कि आप जाके टी टी ऑफ पुरंदर साइन करके आओ तो ट्री टी ऑफ पुरंदर में क्या होता है कि ये लोग तो ट्री टी ऑफ सूरत हुआ है सेवनटीन सेवनटी फाइव के अंदर ट्री टी ऑफ़ पुर, पुरंदर हो गया सेवनटीन सेवेंटी सिक्स के अंदर कर्नल उपटन गया है उपटन अब उपटन लगाने जाएगा है ना कहता है कि यार हमें को तो शादी वादी करनी है इनके साथ मतलब वही अच्छा रिलेशन बनाना है रिलेशन वो करना है तो इसके लिए उपटन लगवाता है देखो उपटन से ना वन किया कि ये होगा वो होगा तो उपटन भेजता है उपटन को भेजता है ठीक है पुरंदर ठीक है पुरंदर तो इसमें क्या कहता है कि ठीक है आपकी जितनी भी हमने टेरिटरीज ली है ना हम आपको वो सारी सारी टेरिटरीज वापस कर देते हैं तो बोलते हैं ठीक है तो सब लोग दोनों के दोनों क्या हो गए अच्छे मित्र बन गए हैं ओके बट 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 होता क्या है कि 1775 से 83 के बीच में अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस चल रहा है ठीक है 1775 से 1883 के अंदर क्या चल रहा है अमेरिकन वॉर ऑफ़ इंडिपेंडेंस चल रहा है पिचहत्तर से तिरासी के बीच में अमेरिकन वॉर ऑफ़ इंडिपेंडेंस चल रहा है और ये किसके बीच में चल रहा है ये चल रहा है ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में ठीक है देखो इस टाइम पे क्या है ना इस इस समय पे केवल दो दो ऐसे लीडर हैं मराठा के जो अब रह गए हैं कौन कौन से एक है नाना फडनवीस नाना फडनवीस और दूसरा है हमारा महारजी महारजी सिंधिया इन दोनों को छोड़ के कोई भी वो रूलर नहीं है तो नाना फडनवीस क्या करता है नाना फडनवीस जो है फ्रेंच को एक पोर्ट दे देगा अब वॉरन हेस्टिंग को ये लगेगा कि यार हमारी जो है हमारी इनके साथ लड़ाई हो रही है फ्रेंच के साथ हमारी हो रही लड़ाई और ये फ्रेंच को एक क्या कर रहे हैं एक पोर्ट दे रहे हैं तो ये फिर ये पोर्ट दे रहे हैं ठीक है इनको फिर ये दिक्कत हो जाएगी इनको गुस्सा आएगा इस बात के ऊपर तो इसको लेके क्या करेंगे वॉरन हेस्टिंग्स जो है ना एक जर्द छेड़ देगा अब इसने यहाँ पर समझदारी की थी यहाँ पे जो समझदारी की थी कि चलो ठीक है यार दोस्ती करते हैं ये करते हैं वो करते हैं बट यहाँ पे वो अपने आप अपने अपनी फीलिंग्स को नहीं संभाल पाता है और यहाँ पे वो वडगाव और तालेगाँव की लड़ाई कर देता है ये वडगाँव और तालेगाँव कहाँ है ये पुणे है हमारा पुणे के पास पड़ता है वडगाँव और तालेगाँव ठीक है तो यहाँ पर ये बैटल कर देता है वडगाँव और तालीव की इसमें क्या होता है ब्रिटिशर्स जो है वो लॉस्ट ब्रिटिश ब्रिटिश इसमें हार जाते हैं ठीक है तो इमोशंस ने नहीं संभाल पाया और ब्रिटिशर्स यहाँ पर लॉस्ट हो जाते हैं ठीक है तो टी ऑफ़ वडगांव साइन होती है टी ऑफ वडगांव में कहते हैं कि आपको भईया आपको ना हमारे साथ लड़ाई वड़ाई नहीं करनी है मतलब मराठा इसके ऊपर ऊपरी हेड के ऊपर उप, उप, होते हैं ठीक है तो टी ऑफ वडगांव के अंदर अब वॉरन हेस्टिंग्स को ना वॉरन हेस्टिंग्स जो है उसको ये दिल पे लग जाती हैं कि यार मुझे हरा दिया मतलब तो हम लोग इतने ऊपर हैं और मुझे हरा दिया वॉरन हेस्टिंग्स जो है इसको सि ऑफ वडगांव को भी रिजेक्ट कर देता है और कहता है कि हम अब लड़ाई करेंगे ठीक है हम लोग वडगांव और टालेगांव के अंदर हम लोग हार गए हैं बट अब हम लोग युद्ध करेंगे तो वॉरन हेस्टिंग्स जो है वो कैप्चर कर लेगा किसको अहमदाबाद और बसीन को ठीक है इसके लिए क्या होता है लेकिन इस टाइम पे क्या होता है जैसे कि जैसे ये कैप्चर करेगा ना अहमदाबाद को कैप्चर कर रहा है बसीन को कैप्चर कर रहा है इस टाइम पे मराठा हारेंगे मराठा लॉस्ट मराठा इस टाइम पे हार जाएंगे इसलिए फिर क्या होता है टी ऑफ साल बाई साइन होती है देखो ये मरा ये क्या ये क्या करते हैं ना सिंधिया कहाँ बैठे हुए हुए हैं हमारे सिंधिया बैठे हुए हैं ग्वालियर के अंदर सिंधिया हमारे हैं ग्वालियर के अंदर होलकर हमारे हैं इंदौर के अंदर ठीक है सिंधिया ग्वालियर में होलकर है इंदौर के अंदर ठीक है तो ये ना हर जगह ये जो हेस्टिंग है ये हर जगह पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है तो अब क्या होता है सिंधिया कहता है कि अरे रुको 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 तुम्हारी लड़ाई नाना फडनवीस है ना तुम तुम्हारे तुम क्यों लड़ रहे हो हमारे साथ क्योंकि नाना फडनवीस ने वो पोर्ट दे दिया फ्रेंच को तुम इसलिए लड़ रहे हो तुम एक काम करो तुम मेरे साथ नाना फडनवीस के पास ही चलो भाई और मेरे से लड़ाई मत करो तो ये क्या करता है सिंधिया जो है इसको सिंधिया जो है ब्रिटिश को सपोर्ट कर देता है और यहाँ पर टूटी अब सालभाई स्टार्ट होती है ठीक है तो साल भाई के तहत क्या होती है क्या बात होती है कि भाई ठीक है सालसेट जो है सालसेट सालसेट सेठ कहाँ है सालसेट हमारा महाराष्ट्र के पास एक आइलैंड है सालसेट को मैं अपने पास रखूँगा ब्रिटिश बोलते हैं और बाकी जितने भी हमने लिए वो हम मराठा आपको दे देंगे ठीक है इस 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 चक्कर में ये दोनों अलाय बन जाएंगे ठीक है दोनों दोस्त बन जाते हैं किसके अगेंस्ट में हैदर अली कहेंगे इसमें क्योंकि इस टाइम पे हैदर अली बहुत बड़ी पावर है और ये फर्स्ट मराठा वॉर है इसके बाद अभी दूसरा युद्ध भी होने वाला है ठीक है तो ट्री ऑफ सालबाई ऐसे करके साइन हो जाती है ओके तो अब क्या होता है अब नाना फडनवीस जो है ना नाना फडनवीस और हाँ टी ऑफ सालबाई के अंदर मेन जो लीडर होता है वो होता है महाजी सिंध महाजी सिंधिया अब इनको अंग्रेजों को पता होता है कि जब तक नाना फडनवीस है जब तक महाजी सिंधिया है हम लोग इनसे नहीं जीत सकते इस टाइम पर नाना फडनवीस की मृत्यु हो जाती है अट्ठारह के अंदर अब ये है बड़ा ही बहुत बड़ा सेटबैक इस टाइम पर बा, बाजीराव टू जो है ना वो बन जाएगा पेशवा इसको लड़ाई करनी आती नहीं है इसमें क्या होता है जशवंत होलकर है यशवंत होलकर का भाई होता है विट्ठू जी उसको ये बाजीराव टू जो है ना मार देता है तो होलकर इसके ऊपर अटैक कर देगा और इसलिए अब बाजीराव टू जो, जो है वो बसीन साइन करेगा बसीन साइन करेगा बसीन साइन करते ही बसीीन किस टाइम पर साइन हो रहा है हमारा तो बसीी जब साइन हो रहा है ना उस टाइम पे ये है ये है हमारा वेलेस्टी का टाइम है वेलेस्टी की एक ही चीज़ चलती है सब्सिडी रिलायंस वो कहता है कि अच्छा जी आपको ये चाहिए ठीक है सब्सिडी रिलाइंस साइन करो हमारे साथ तो ये कहता है बाजीराव टू कहता है कि ठीक है यार जो करना है करो पर प्लीज़ मुझे पेशवाशिप बना के रखो तो वो वहाँ पर ब्रिटिश रेजिडेंस को सेट कर देता है कौन वेलसली जो है यहाँ पे आ, यहाँ पे इनके इनके पूरे के पूरे एरिया के अंदर ये ब्रिटिश रेजिडेंस को सपोर्ट कर देता है ठीक है साइन बसीन साइन करने के बाद अब यहाँ पे क्या होता है कि कहता है कि अच्छा बसीन के अंदर ना हमको सूरत चाहिए तो कहता है ठीक है सूरत ले लो क्योंकि इसके पास कोई ऑप्शन ही ना इसके पास बाजीराव टू के पास कोई ऑप्शन तो है नहीं तो वेलस्ट कहता है कि हमें ना सूरत चाहिए वो तो बोलता है ओके ले लो फिर कहता है कि ना आप हमारा निज़ाम जो है कि ये हमारा निज़ाम हैदराबाद में बैठा हुआ है ये हमारा दोस्त है तो आप मराठा हो आप इसके ऊपर से जितने भी आप चौथ इकट्ठा करते हो ना आपको वो चौथ चो, चौथ छोड़ना पड़ेगा ये कहता है कि ठीक है मैं चौथ भी छोड़ने के लिए तैयार हूँ नहीं नहीं लूँगा मैं चौथ ओके अब भौंसले जो है वो इसको टिटी और बस इनको एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो इनके साथ ही अलग अलग टिटी करते हैं कहते कहते हैं कि तुम कौन से ज़्यादा वो हो तो भौंसले के साथ करते हैं भौंसले के साथ करते हैं टिटी ऑफ देवगाँव भौंसले जो अपना हौसला रखे वहाँ पर देवों का गाँव बच सकता है भौंसले के साथ टिटी ऑफ देवगाँव सिंधिया के साथ क्या है सुरजी अंजन गाँव सिंधिया देखो ये कहते हैं ना सिंधाड़ा जे देण जारी से ये लोग चलती है ना ये सब चीज़ें सिंधाड़ा देण झारी से ठीक है एक अनजान से गांव में चले जाते हैं लोग ये सब चीज़ें इतनी बड़ी नहीं है सिंधाड़ा देण झारी से तो सुरजी अनजान ठीक है और फिर है होलकर होलकर क्या है राजपुर घाट जब जब राजा कहीं पे जाता है तो वो पूरे के पूरे घाट को खोल के रख देता है है ना भोंसले टिटी ऑफ देवगांव है सिंधिया जो है सुरजी अनजान और होलकर क्या हो गया हमारा राजपुर घाट ओके अब बसीन जो है ना अब इस तरीके से बसीन जो है इंग्लिश को इंडिया की चाबी पकड़ा देता है इससे वो पूरे के पूरे उस पर कंट्रोल करके बैठ जाते हैं ठीक है ये हो गया है यहाँ तक हमारा क्या हो चुका है यहाँ तक हमारा सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है हमारा अब बात आती है अट्ठारह की ठीक है ये देखो ना यहाँ हम्म ठीक है तो यहाँ तक हमारा सेकेंड सेकेंड वॉर जो है वो कंप्लीट हो चुका है ये हमारे वॉर कब कब थे तो ये 1803 से 1805 तक यहाँ पे हमारा ये ये सब काम हो चुका है अब हम थर्ड वॉर के ऊपर चलते हैं थर्ड बार हमारा अठारह सौ सत्रह से उन्नीस के बीच में ये याद रखना सेवेंटीन सेवेंटी फाइव से अट्ठारह सौ उन्नीस के बीच में इनके तीनों के तीनों युद्ध हुए हैं ये बात कर भी चुके हैं है ना अब क्या होता है चार्टर एक्ट एटीन थर्टी वन थर्टीन आती है इसमें क्या होता है ई आई सी जिसमें मोनोपोली लॉस्ट कर जाती है अब लॉस्ट करेगी मोनोपोली क्योंकि और और भी बहुत सारे लोग आ रहे हैं क्रिश्चियंस आ रहे हैं ये आ रहे हैं वो आ रहे हैं तो यहाँ पे क्या होता है इसकी जो रेवेन्यू है वो डिक्रीज़ होने लग जाती है अब रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए इनको चाहिए नई नई टेरिटरीज तो इस टाइम पे कौन आता है हमारा 1813 के टाइम पे लॉर्ड हेस्टिंग ठीक है लॉर्ड हेस्टिंग कब कब है लॉर्ड हेस्टिंग हमारा है अठारह में लॉर्ड हेस्टिंग है ये याद रखना है तो लॉर्ड हेस्टिंग का एक एक रूल था कि हमको तो हम तो यार पैरामाउंट पावर है ब्रिटिश की हमें तो और सा, और ज़्यादा टेरेटरीज़ तर, तर, चाहिए अब एक तो, एक तो एक तो इनकी इनकी मोनोपोली छिल छिन गई है ऊपर से कि जो पिंडारी हैं पिंडारी को मराठा सपोर्ट करते हैं पिंडारी का काम क्या होता है देखो अब मराठा जो है पिंडारी को पैसे देते थे अपने अपने लिए काम करवाते थे और, और उनको पैसे देते थे क्योंकि इनका काम क्या था चौथ इकट्ठा करना आ, ये सब चीज़ें इकट्ठा करना है ना ठीक है तो अब यहाँ पे क्या होता है कि ये ना इनको पैसे देते थे तो अब क्या है पिंडारी बोलते हैं कि यार ये तो अंग्रेज़ों के साथ मिल गए हैं अब हम क्या करें इसलिए पिंडारी जो है ना आस पास जितने भी मिलिटेंट एरियाज़ होते हैं से बंदूक चुराना स्टार्ट कर देते हैं ये करते हैं वो करते हैं अब ब्रिटिश क्या करते हैं ना ये कहते हैं कि यार एक तो हमारे पास पैसा वैसे ही नहीं है ऊपर से ये लोग चोरी कर रहे हैं तो ब्रिटिश है तो जो इसके ऊपर अटैक कर देते हैं अब ये मराठा को ये बात खल जाती है मराठा कहते हैं कि यार पिंडारी तो हमारे दोस्त थे तुमने पिंडारी को क्यों मार दिया मतलब क्यों इनको इनके ऊपर क्यों अटैक किया इस वजह से मराठा इनका सपोर्ट करते हुए थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर करते हैं ठीक है अब ये हारते क्यों हैं देखो हारने का बहुत सारे कारण है कि ये इनके पास वेपन गुरीला वेलफेयर करते हैं ये इनके पास वेपन अंग्रेज़ों के कंपैरिजन में नहीं थे सबसे बड़ी बात ये कि इनकी जो एग्रीकल्चर इनके जो डिपेंडेंसी वो एग्रीकल्चर के ऊपर है जब इनको पता है कि भाई हमारे साइड वाले जो दुश्मन है वो हमारे ट्रेड करते हैं है ना बिजनेस करते हैं पैसा उनके पास बहुत सारा है बट ये लोग क्या करते हैं एग्रीकल्चर के ऊपर ही डिपेंडेंट रह जाते हैं इस वजह से अब क्या है ये इस तरीके से है अंग्रेज़ों ने ये पूरा का पूरा मराठा वाला एरिया ले लिया है ये मैसूर भी ले चुके हैं ये ये इलाहाबाद वगैरह ये बंगाल इलाहाबाद सारा का सारा एरिया ये जे जा चुका है ठीक है ये लगभग पूरा एरिया चला गया ये ट्रे बैंक और, और ये पूरा नॉर्दर्न सरकार सब ले चुके हैं नी, नीचे का पूरा एरिया ख़त्म है अब सिर्फ ये बचा है कौन सा एरिया पंजाब सिंध और अफ़गान तीन चीज़ बची है बस पंजाब सिंध और अफ़गान अब इसकी बात करते हैं